टेंडो अभी होता है इसमें, उठा लेंगे उसको क्या, पकड़ लिया क्या, गया उधर गया। कुछ कमेंट्स ये आ रही थी कि जगदीश भाई आपने जो है कि गड्ढा को छोड़ के गलती कर दी, लेकिन कुछ कुछ कमेंट ये थे कि जगदीश भाई आप जो है कि भाई मतलब ही हो, बोले हमको जो है कि गड्ढा अभी नहीं, गड्ढा जो है कि आज से 4-5 साल पहले ही हमें गड्ढा चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन इसके बाद गोटिया हमारे घर पे कभी नहीं आएगा। तीनों आपा और मम्मी तीनों जा रहे हैं गुजरात। चलो तो आज जो है कि महेश भाई और आपा दोनों गाय लेके जा रहे हैं, और ये भी जा रहा है। मैं नहीं जा रहा, पूरा पशुवार खा लिया तूने। हट भाई, जब लेके आए थे तब इतनी खतरनाक थी कि भाई किसी को पास नहीं जाने दे रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद देखो कितनी गरीब हो गई। ये देखिए अभी जो है कि मारते नहीं है भाई, पहले तो जब नए नए लेके आए थे तब जो है कि किसी को पास नहीं जाने दे रही थी, लेकिन थोड़ी बीमार हो गई थी इसकी वजह से कमज़ोर पड़ गई है, नहीं तो अभी हट्टी कट्टी थी। अभी रिकवर को थोड़ा टाइम लगेंगे उसको, क्योंकि बहुत बीमार पड़ गए थे बीच में हद से ज़्यादा। चला जा, चलो अंदर, बाहर नहीं आना है, सब इधर किधर आ रहे हो, वो देखो फिलहाल जो है कि गाय चरने के लिए गई हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो है उनको आधा एक घंटे के लिए वाड़ा के अंदर छोड़ देते हैं हम डेली, ताकि वो यहाँ पे, क्योंकि ये वाड़ा बड़ा है वो तो बहुत छोटा है, तो इसमें मैंने बोला आराम से पूरा इसमें घूमेंगे और थोड़ा उछल कूद करेंगे तो उनको भी मज़ा आएंगे, तो इसकी वजह से हम डेली छोड़ देते हैं इनको। अभी कोई नहीं, अभी गेट लगा देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो क्या सब, आई होप आप सब मौज में हो। मैं एकदम मौज में हूँ। तो फिलहाल आज का सीन कुछ ये है कि गन्ना काटने के लिए जाना है। सुरेश भाई आज से पहले 15-20 दिन पहले जो है कि गन्ना काट के लेके आया था, लेकिन अभी वो गन्ना ख़त्म हो गया है और दूसरा गन्ना लिया है हमने यहीं बाजू में। तो आज जो है कि सुबह सुबह हमें गन्ना काटने के लिए जाना है। हरी भाई जो है कि ट्रैक्टर लेके चला गया है। अभी सुरेश भाई दूध लेके गया है, जैसे सुरेश भाई आता है फिर जो है कि निकलते हैं गन्ना जो है उसे काट के आते हैं। फिलहाल जो है कि इस साल गन्ना बहुत कम मिल रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है। चलो तो सुरेश भाई आ गया है, अभी फटाफट से निकलते हैं। चल कैन छोड़ दे पहले, चल निकल। चलो दोस्तों तो फटाफट पहले गन्ना काट के आते हैं। अभी गिरा दिया था इसने, इधर उधर देखता है गाड़ी किधर चला था, रास्ता देखो कैसा है, अरे ध्यान से चलाओ। अरे यार तू आज से बैठता नहीं है। मैं तो अच्छा ही बैठा था दोस्तों, ये वाली जगह पर जो है कि मैं आज 2 साल बाद आया हूँ, एकदम हमारे घर के बाजू में, लेकिन 2 साल बाद आया हूँ। पहले इधर हम मक्का भरने के लिए आते हैं। हाँ, तो इस जगह पर हम बहुत आए, क्योंकि एक खेत के जो किसान भाई है ना, ये बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत जमीनी, इसके खेत में अक्सर आते हैं। ये देख, मेरे को पता है, मैं तेरे को पूछूंगा नहीं कहाँ जाने का है। तू किधर जाना, प्याज की पत्ती जय जिधर जाने के उधर जा। दोस्तों इस खेत में आप देख सकते हो अपने प्याज की पत्ती इतनी पड़ी है भाई कि क्या है बताए। तो अभी भाई का जो है कि अचानक से मन बदल गया है, वो बोल रहा है कि अभी एक काम करते हैं प्याज की पत्ती भर लेते हैं। मैंने बोला यार प्याज की पत्ती तो डेली भर के ला, प्याज की पत्ती छोड़ गन्ना भर लेते हैं। वो बोलता है नहीं, आधी प्याज भरेंगे आधा गन्ना भरेंगे। फिर मैंने बोला कि भाई तुझे जो करना है कर, नो प्रॉब्लम, जा। ये रहा अपना ट्रैक्टर और ये रहा हरी भाई। हरी भाई ने जो है कि आधा लगभग गन्ना काट दिया है, गन्ना अच्छा है वैसे। चलो काट दो हरी भाई। वो भाई जो है कि भाई इस किसान भाई को पूछने के लिए गया था, अभी वो जो है कि किसान भाई को पूछ के आ गया है। वैसे यहाँ पे भाई मुझे पता है, गारंटी है कि भाई किसान भाई जो है वो मना करते नहीं है, लेके जाओ। लेकिन क्या है कि भाई हमारा एक फर्ज बनता है भाई कि उनको पूछना, क्योंकि इतने मेहनत करके वो बनाते हैं, उनका माल है, देना है नहीं देना है वो उनकी मर्जी, लेकिन पूछना जरूरी है। नहीं बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि हम किसान भाई के खेत में जो भी जा रहा हो पूछे बिना जो है कि हम भाई उसको नहीं लेते हैं। वो नहीं तो बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम पूछ लेते हैं। अभी फिलहाल देखिए ये वाला जो गन्ना है इतना है, इतना और इतना, और ये वाला गन्ना जो है कि भाई हमें थोड़ा सस्ता मिल गया है। अभी ये गन्ना लगभग मेरे ख्याल से लगभग सुरेश भाई ने 1800 रुपये में लिया है, बेस्ट। कहाँ बोल रहे, मुझे पता था यार कि किसान भाई हमें, आज तक मुझे गारंटी है कि भाई किसान भाई यहाँ का कभी मना नहीं करते हैं। मैंने इसको पहले बोला था कि भाई ये जो अपना प्याज की पत्ती है वो रहने दें, अपन जो है कि डायरेक्ट गन्ना भर लेते हैं, लेकिन भाई मानने के लिए तैयार है नहीं। ले 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 ले, ले उतर। दोस्तों जगदीश भाई बहुत काम करता है, ये देखो, ये देखो क्या हुआ भाई, इतना धीरे क्यों चलते हैं, बहुत काम करता है ये, दिन भर काम करता है। ये बोलने के लिए जगदीश भाई ने मेरे को पैसा दिया है, सच में दोस्तों झूठ नहीं बोलता हूँ।
ये बोलने के लिए मैंने इसको 500 रुपये दिए है, मेरी तारीफ कर तू। हाँ। बोले 500, लेकिन मेरी तारीफ कर। 500 रुपये दिए इसने मेरे, 500 रुपये दिया है कि मेरे बारे में जब भी थोड़ा अच्छा बोलने का। हाँ, मेरे बारे में तो अच्छा बोलने का, तो बहुत काम करता है। हाँ। दोस्तों, प्याज की पत्ती जो है ना पूरे खेत में फैला के पड़ी है, आधा घंटा हो गया तब से भर रहे, और देखो कितना भरा, इतना ही भरा है, इतना बोर कर रही है भाई ये पत्ती की, क्या बताइए। बोर हो गया मैं, मेरे को नहीं आना उधर। चलो दोस्तों, मिलते बाद में। तो फिलहाल जो है कि दोस्तों, पत्ती जो है कि हमने भर ली, ज़्यादा नहीं भरी है, खेत बहुत बड़ा है। पत्ती देखिए कितनी बड़ी है, चार ओवर पत्ती पत्ती है, लेकिन फिलहाल पत्ती हमने इतनी भरी है प्याज की। अभी जो है कि हमें भरना है गन्ना, तो ये वाला अभी फटाफट से गन्ना भर लेते हैं। धूप जो है कि एकदम जबरदस्त वाला हो रखा है, हालत जो है कि एकदम खराब हो रखी है, लेकिन क्या करें दोस्तों। चलो तू पे वात उपेश कर ले, तू पहला ले भरो मेडल। हरी भाई जो है कि ऊपर बिछाने के लिए रहेगा और ये भाई नीचे। अभी ये आप सोच रहे होंगे यार, सुरेश भाई इतना ईमानदार क्यों बन गया, बिछाने का आसान है, नीचे ऐसे ऊपर डालना मुश्किल है। तो सुरेश भाई तुरंत नीचे क्यों उतर गए, लेकिन इसमें भी चीटिंग की है इसने। चीटिंग ये की है कि जो बिछाने के लिए ऊपर रहेगा उसको ट्रैक्टर खाली करना पड़ेगा, सीधा नीचे छलांग लगा दी और नीचे उतर गया। बहुत बड़ा चीटर है, हद से ज़्यादा। ये बोलने का मेरे को इसने पैसा दिया था। नहीं, सही में चीटर है। बोलो मैडम, चलो अभी अपन भी भरने लग जाए फटाफट। इधर दिखा, हाँ ले दिखा इधर। दो मिनट सिर्फ ऐसे ही भागेगा, मिनटों का काम मिनटे में करेंगे, ये मशीन है। वाह, फाइनली जो है कि दोस्तों, अभी ट्रैक्टर जो है हमारा भर गया है गन्ने का। अभी जो है कि रस्सी वगैरह लगाते हैं और चलते हैं घर पे। हालत बहुत खराब हो गई दोस्तों, बहुत धूप लगा, बहुत लेट आए थे। चलो अभी जो है कि अंगूर की जो सीजन है दोस्तों ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये देखिए अंगूर खत्म हो गए, अभी सिर्फ ये एक दो बगीचे बचे हैं, चेक कर लेता हूँ मैं। अच्छा तो है, चलो। तो फाइनली जो है कि अभी आ गए हैं घर पे। लालू घर पे आ जाए, चल चल। सोना धोके हो गए हैं रेडी। ना ले जाए। तो आज जो है कि फाइनली किनू आपा और मम्मी तीनों जा रहे हैं गुजरात। हाँ सॉरी, टीनू नहीं जा रही है, पिस्तुलिया जा रहा है। नहीं, ये भी नहीं जा रहे हैं। पर इने सुकान छोड़ दो तुम्हारे चैन जियो बकरू चेंज जियो। हाँ चेंज जियो। अरे महेश भाई ऐसा खुला मत इसमें छोड़ जान, किधर है टेंट, अभी होता है इसमें, उठा लेंगे उसको, क्या है। हाँ आम जो या भाग गए दोस्तों, या अरे उसका आवाज, या गया वो तो, पकड़ लिया क्या, गया उधर गया। हाल किसने बोला था इधर आने के लिए, पकड़। अरे महेश भाई कल परसों लालू जो है कि इधर देख के भोंक रहा था, तेंदुआ भी है क्योंकि पीछे जो है कि सामने जो मक्का है उसमें आज से 7-8 दिन पहले देखा था उसके सामने भाई से शिकार करा रही है। हाँ सामने से जा रही है उसके मुंह में, बांध दे मेरा शिकार कर ले, चल इधर उतर उतर, बांध दे अंदर ले ही गए मुझे दो या। ओ हे शरारती दोस्तों, बांध दे उसको फिर पाने पाए। हेलो, वो सुनती नहीं। हाय टाटा कर कर, अरे कहाँ जाना है, हट हट भागो वापिस, रुक जाओ भाई शिकारी। हाँ ये साइड मार, ये साइड जाने दे, कुछ गन्ना है कुछ प्याज की पत्ती है।
उसकी वजह से प्याज की पत्ती कम भर के लाया है, क्योंकि अगर गाय ने दूध वाली गाय ने खा ली ना तो दूध में बास आती है, कि थोड़ी पत्ती सब गाय को इतनी इतनी हिस्से में आएंगी तो बास नहीं आएंगी, ज़्यादा अगर खाते तो फिर दूध में बहुत बास आती है। लेकिन हाँ, अगर कंटिन्यू खिलाते हो तो फिर बाद में जाके कुछ दिनों के बाद बास नहीं आती। अगर आप कंटिन्यू 10-15 दिन खिलाते हो ना, आज 4-5 दिन पहले दिन आएंगी बास, लेकिन बाद में जो है कि बास आना बंद हो जाता है दूध में। प्याज की पत्ती जो खाते दूध में जबरदस्त वाली बास आती है। चला। अरे अबे रुक जा, बोलना मेरे को क्या करना है। कर दे खाली, कर दे मोर, बाजू को हट हट, बाजू को कर दे खाली। गौरी और लाडो को दोनों को जो है कि भाई इस गाय की आदत हो गई, तो ये जो है कि अभी वाड़ा के अंदर आराम से आते हैं, खाते हैं, मौज मजा मस्ती। लेकिन अपनी लाडो तो चरने के लिए भी जाती, लेकिन गौरी जाती नहीं। कल के ब्लॉग में कुछ कमेंट्स ये आ रही थी कि जगदीश भाई आपने जो है कि गड्ढा को छोड़ के गलती कर दी, नहीं तो गड्ढा जो है कि आज हमारे बीच होता। आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, गड्ढा हमारे बीच होता, लेकिन वो गाय ऐसी जगह पर लेके गए थे जहाँ पे भाई कोई लोग भी नहीं थे, और गड्ढा में जाके फंस गया और दलदल था। गड्ढा इतना गहरा नहीं था लेकिन दलदल था, तो निकल नहीं पाया गड्ढा ने, लास्ट में जो है कि भाई जान छोड़ दी। लेकिन कुछ कुछ कमेंट ये थे कि जगदीश भाई आप जो है कि भाई मतलब ही हो, बोले। अब मैंने बोला यार क्या हो गया, कि बोले आपने गड्ढा जो है कि आपका फर्स्ट बुल था तो आपने छोड़ा ही क्यों। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं आपको बता दूँ कि एक बुल 4-5 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते आप, फिर बाद में जो है कि बुल बदलना पड़ता है। गाय जो है उसको आप रख सकते हो तो, लेकिन बुल नहीं रख सकते, क्योंकि उसके लिए क्या है कि फिर बुल आपको चेंज करना पड़ेगा। 4 साल बाद जो है कि उसी बुल की बछड़ियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, उसी बुल से उस बछड़िया की ब्रीडिंग नहीं करवा सकते हम, तो इसकी वजह से हमें बुल चेंज करना ही पड़ता है। तो मैं आपको बता दूँ, हमको जो है कि गड्ढा अभी नहीं, गड्ढा जो है कि आज से 4-5 साल पहले ही हमें गड्ढा चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन तब हमने किया नहीं, क्योंकि घर वालों ने भी मना किया और मैंने भी मना किया था। सुरेश भाई बोल रहा था चेंज कर देंगे, लेकिन मैंने मना किया कि भाई फर्स्ट बुल है, रहने दे, जितनी भी उसकी बछड़ियाँ है उसकी ब्रीडिंग अपन किसी और बुल से करवा के लेंगे ब्रीडिंग, लेकिन गड्ढा को रहने देंगे। तो हमने गड्ढा रहने दिया। फिर जो है कि गोटिया हमारे पास है, उसको हो गए 3 साल, अभी गोटिया से काम चल रहा था, तो गड्ढा को रखने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन गड्ढा हमारा प्रिय था और फर्स्ट बुल था, इसकी वजह से हमने गड्ढा को रखा और गोटिया को भी रखा। लेकिन बाद में जो है कि दोनों की फाइट होने लग गई, गड्ढा से हमें कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन गड्ढा की और गोटिया की दोनों की फाइट होने लग गई। फिर भी जो है कि हमने वहाँ पे थे तो चलो ठीक है, वहाँ पे जगह भी बड़ी थी, अगर लड़ाई भी होती है, आप जो है कि पिछले ब्लॉग जाके देख लेना, उसमें खतरनाक लड़ाई हुई है उनकी, तो वहाँ पे जगह थोड़ी लंबी थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर लड़ाई भी होती है इतनी जगह है तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है कि दोस्तों एक साइड कुआं है, यह साइड जो है कि किसान भाई ने पानी स्टॉक करने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा किया है ताड़पत्री डाल के। जब वो लड़ाई करते हैं ना, तो ये जो हमने तार वगैरह लगाए ना उनके लिए नॉर्मल है, अगर दोनों लड़ाई करने को आ गए तो ये दोनों जो है कि तोड़ के सीधे वो साइड चले जाएंगे। तो वैसा सामने जो है कि पानी का गड्ढा है, उसमें भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। इसी डर की वजह से हमें ऐसा लगा कि दोनों बुल में से एक नहीं तो कुआं में गिरेगा, नहीं तो उस गड्ढे में जाके गिरेगा, तो मरने वाला है ही। तो इस डर की वजह से हमने क्या किया कि भाई अपना गड्ढा जो है उसको हमने उस गौशाला में जाके छोड़ दिया। जाने से पहले जो है कि हमने कंफर्म करके लिया था, वहाँ पे बैठने के लिए जगह भी अच्छी थी, चारा भी अच्छा था, सब ओके था। हमने सामने से उनको नहीं दिया है, उन्होंने बोला था हमें कि भाई गड्ढा हमें दे दो। मैंने बोला कि भाई 1 साल से गड्ढा नहीं, यहाँ पे ब्रीडिंग नहीं की। वो बोले ठीक है हमें दे दो, आप अगर ब्रीडिंग किया तो भी रखेंगे, नहीं ब्रीडिंग किया तो भी रखेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला कि भाई एक बार मैं कन्फर्म करके लेता हूँ आपके यहाँ जगह कैसी है, चारा क्या है। फिर जो है कि मैंने लाला भाई को कॉल किया और लाला भाई जाके आया, देख के आया, बोले सब ओके है। तो मैंने उनको बोला कि भाई ठीक है लेके जाओ। फिर जो है कि वो लेके गए, लेकिन मैंने व्लॉग जाके आप देख लेना, उस व्लॉग में भी बोला है भाई को कि भाई जितने दिन आपको संभाले जाएंगे आप संभालो, लेकिन बाद में अगर गड्ढा नीचे भी बैठ जाता है आप जो है कि हमें कांटेक्ट करना, मैं यहाँ से किसी की गाड़ी लेके, यहाँ से लोग लेके आऊँगा और गड्ढा को उठा के वापस लेके आऊँगा यहाँ पे। तो बोले ठीक है, हम इतनी सारी यार संभाल रहे हैं तो एक बुल नहीं संभाल सकते। और बुल जो है कि भाई हर कोई 3-4 साल में बदल ही देता है, जो गाय रखता है उनको पता ही है, जो गाय नहीं रखते हैं वो कमेंट करते हैं कि भाई आपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया, अभी इतनी सारी गाय खा रही है, एक गड्ढा क्या खाने वाला है, आप समझ रहे हो। लेकिन फिर भी जो है कि भाई हमने गड्ढा को रखा,
नहीं तो हमारे पास 3 साल से एक गोटिया है, तो गड्ढा को रखने का क्या फायदा, दो दो बुल क्यों रखेंगे हम। लेकिन हमें गड्ढा जो है उसे देना ही नहीं था, लेकिन बाद में जो है कि गड्ढा की और गोटिया की बहुत फाइट होने लगी। तो मैंने बोला कोई छोटे बच्चों को चोट पहुंचा सकते हैं, या अगर कहीं दूसरी जगह पर लड़ाई हो गए किसी और लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। तो इसकी वजह से हमने जो है कि गड्ढा को वहां पे छोड़ा था, और जगह भी एकदम बेस्ट थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी सीजन थी तो गाय लेके सब चले गए जंगल में, वो साइड सब मैंने उस दिन उस व्लॉग में दिखाया कि सब खेत वगैरह है तो उस खेतों में चढ़ के आते हैं और वो जंगल में रात में रुकते हैं। तो वो साइड पानी पीने के लिए गाय लेके गए और वो जाके उस दलदल में फंस गया और गड्ढा अटक गया। बहुत कोशिश की लेकिन गड्ढा नहीं निकल पाया, वहाँ पे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है। और 2-3 घंटे लग गए उनको, 2-3 घंटे बाद जो है कि फिर सब लोग आए, लेकिन तब तक जो है कि भाई गड्ढा जो है वो भाई बहुत ताकत लगाई उसने, लेकिन तब तक जो है कि गड्ढा ने जान छोड़ दी थी। वैसे भी गड्ढा की जो है कि उम्र थोड़ी बहुत तो हो गई थी। अभी जो है कि हम गोटिया जो है कि इसी साल रखेंगे, अगले साल हमें गोटिया चेंज करना ही पड़ेगा। गोटिया को 3-4 साल हो गए हैं, फिर आप कमेंट करके बोलेंगे यार आज तक आपने गोटिया को रखा और अभी आप क्यों चेंज कर रहे हो, गोटिया तो अपना पुराना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बुल चेंज करना पड़ता है। तो हमें गोटिया जो है उसे भी अभी अगले साल हम जो है कि गोटिया को भी चेंज कर देंगे। गोटिया को चेंज करना पड़ेगा, भले ही हम दूसरा बुल लेके आए और गोटिया भी रहे, फिर भी हमें गोटिया को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर गोटिया की भी बछड़ियाँ भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो हमें गोटिया निकालना पड़ेगा। तो ऐसा था दोस्तों। और दूसरी बात ये थी कि अभी देखो झुंड के अंदर गोटिया पुराना है, और अभी हम कोई नया बुल छोटा सा लेके आएंगे ना, तो नया बुल से एक भी गाय ब्रीडिंग करने नहीं देंगे, गोटिया से ही ब्रीडिंग होगी। तो क्या होता है कि जब तक गड्ढा था तब तक जो है कि भाई इससे ब्रीडिंग होने नहीं देते थे, इसकी वजह से हमें गड्ढा को बांध के घर पे रखना पड़ता था। अभी पूरी लाइफ जो है कि भाई वो खुला ही चरा है और खुला ही घुमा है, और एक जगह पर उसको बांध के रखेंगे, दिन रात बांध के रखेंगे, तो वो मुझे पर्सनली बुरा लगेगा। मेरे नज़र के सामने यार गड्ढा को बांध के रखेंगे, झुंड से अलग करेंगे। तो इसकी वजह से मैंने बोला कि वहाँ पे गौशाला थी और इससे जगह वहाँ पे बेस्ट थी, आपने भी देखा इससे जगह वहाँ पे बेस्ट थी और वहाँ पे वो खुला रहने वाला था। तो मुझे पर्सनली पसंद आया कि नहीं भाई ये बेस्ट है, जाके छोड़ दो। लेकिन अभी प्रॉब्लम कुछ और नहीं हुआ है, प्रॉब्लम सिर्फ यही हुआ है छोटी सी नाली थी उसमें जाके फंस गया। और आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं, आज से लगभग 6-7 महीने हो गए तब जो है कि गांव की वो साइड जो है एक नाली में जाके गड्ढा फंस गया था, उसका भी ब्लॉग मैंने अपलोड किया है, आप चाहो तो पुराना ब्लॉग देख लेना, उसमें फंस गया था। तो वहाँ पे जो है कि हम सब, मैं तुरंत ही पहुँच गया तो उसको निकाल लिया। तो ऐसा थोड़ी ना है भाई, अगर यहाँ भी होता और गड्ढा का अगर इतना ही लिखा है जीना, तो भाई यहाँ भी मर सकता था वो, समझ रहे हो आप। लेकिन देखिए बुरा मुझे भी लगा, और आपकी भी बात वैसे देखा जाए तो सही है कि अगर गड्ढा यहाँ पे होता तो अभी तक गड्ढा को कुछ नहीं होता, कुछ कह नहीं सकते। अगर गोटिया की और गड्ढा की लड़ाई हो जाती, अगर वो कुआं में डाल दिया होता, यहाँ गड्ढा है इसमें डाल दिया होता, तो दिक्कत तो होने वाली थी सेम। तो ऐसा था। तो बहुत सारे दोस्तों की गलत फहमी है, देखिए हम इतनी गाय संभालते हैं तो एक बुल संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो आप। देखो जो गाय रखता है उनको पता ही होता है कि भाई नहीं, बुल जो है कि ज़्यादा 4-5 साल ही रखते हैं, फिर बाद में जो है कि बुल जो है उसे निकालना ही पड़ता है, चेंज करना ही पड़ता है। गड्ढा जो है कि कसम से मुझे बहुत प्रिय था, बहुत कुछ दोस्त ये भी बोल रहे थे कि जगदीश भाई आप जो है कि अभी ये पहले से आपने गलती कर दी, छोड़ दिया, और अभी जो है कि आप बोल रहे हो कि बुरा लग रहा है, अगर बुरा लग रहा था तो छोड़ा ही क्यों। लेकिन मैंने अभी मेरी जो पूरी कहानी है वो सब आपको बता दी है दोस्तों, बाकी आप सब समझते हो कि इतनी सारी गाय संभालते हैं तो एक बुल से क्या फर्क पड़ने वाला है, बताओ आप। तो ये बात है, और मैं आपको बता दूं गोटिया भी अभी कुछ दिन का मेहमान है, इसके बाद गोटिया हमारे घर पे कभी नहीं आएगा। हम जो है कि अभी कोई नया बुल ढूंढ लेंगे,